अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हबीबुल्ला खान रॉयल आर्म्स कंपनी से। आज आप लोग को एक विज़िट करवाते हैं हमारे ये CNC मशीन्स के, जो रॉयल आर्म्स कंपनी में जिस मशीनों से काम होता है, तो आपको एक बार फिर दिखाया जाए कि किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह काम होता है। ये आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से ये लेटेस्ट मशीनें हैं। ये हमारे मटीरियल होते हैं जो कि रॉ मटीरियल के बाद उसको फिनिश मोड में लाया जाता है, और इसके अलावा आपको कुछ प्रोडक्शंस भी मशीन्स का दिखाएंगे किस तरह ये प्रोडक्शंस की जाती है और किस तरह रॉ मटेरियल से इसकी फिनिश शेप बनाया जाता है। ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, ये हमारी जो बैरल्स बनती है ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी बैरल्स बनती है। इसके अंदर आप अगर चेक करें ग्रूस को, तो इसकी फिनिश चेक करें, इसकी शाइन चेक करें, माशाल्लाह इसमें कोई क्रोम नहीं हुआ, ये विदाउट क्रोम बैरल है, और इसके अंदर जब क्रोम हो जाए तो आपको फिनिश इसकी नज़र आएगी। ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। इसी तरह हमारा सारा ही काम ये अल्हम्दुलिल्लाह रिलायबल होता है। इसके लिए बाकायदा एक बायर से इंपोर्ट की गई मटेरियल और बायर से इंपोर्ट की गई जिसकी जो कटर्स होते हैं, यानी कि जो आपको दिखाया जाएगा, ये कटर्स भी इसके बाकायदा बायर से इंपोर्ट किए जाते हैं। और ये आप चेक कर सकते हैं, इस पर बाकायदा एक काम शुरू है, जो कि ये एक 3D डायमेंशंस बनती है, और 3D डायमेंशंस के बाद ये प्रोग्राम पे शिफ्ट किया जाता है, और प्रोग्राम के बाद ये इसी तरह अपना कारकर्दगी जो मशीन अपना रॉ मटेरियल से फिनिश शेप पे अपना वो लेकर आती है। ये आपको दिखाएंगे हमारे जो मशीन पे अभी भी ये M4 कार्बाइन का जो काम हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर एक काम मियारी और इन CNC मशीन्स पे होता है। ये दिखाने का मकसद ही यही है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी हमारे पाकिस्तान की आवाम है, कि उनको पता लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल आर्म्स कंपनी में इस तरह एक काम होता है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में काम होता है। इंशाल्लाह इसी तरह आप लोग को वीडियोज़ दिखाते रहेंगे, मज़े की वीडियोज़ आती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम।